नमस्कार, आज बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत महत्वपूर्ण दवाई नखस्वामिका के बारे में, जिसके बिना होम्योपैथी लगभग अधूरी सी है। होम्योपैथी में नखस्वामिका का क्या उपयोग होता है और इसके क्या गाइडिंग सिम्टम्स हैं? ऐसे सिम्टम जिसको देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये नखस्वामिका की डिमांड वाला व्यक्ति है या इसे नखस्वामिका की जरूरत है, या आपको कब लगता है कि आपको नखस्वामिका लेनी चाहिए, और वो क्या है 10 कॉमन सिम्टम जिसको देखकर आप गेस कर जाएंगे कि हाँ, मुझे नखस्वामिका लेनी चाहिए। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, नखस्वामिका जरूरी है उन लोगों के लिए जो जीवन शैली के मामले में थोड़े कमजोर हैं, जिनकी जीवन शैली बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। और आजकल की जीवन शैली में सबसे महत्वपूर्ण दवाई है नखस्वामिका। डिस्टर्ब लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स के लिए, जो लोग रात में ज्यादा देर तक जागते हैं, जिन्हें रात में जागने के साथ साथ लत होती है किसी न किसी एक स्टिमुलेंट की, जैसे चाय हो गया या कॉफी हो गया, शराब हो गया, किसी भी तरह का पेय पदार्थ हो गया, जो सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स के लिए जिम्मेदार है, स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, पाउच हो सकता है, ये लोग रात भर जागते हैं और वर्कोहोलिक लाइफस्टाइल जिसे जीते हैं, बॉस वाली प्रवृत्ति के लोग हैं, बॉसेस होते हैं अक्सर, और सबसे ज्यादा इन्हें साहित्यिक काम करना होता है या इंटेलेक्चुअल काम करना होता है, जिन्हें दिमाग के काम ज्यादा करने होते हैं और जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, उनका पेट अक्सर खराब हो जाया करता है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाई के साथ खास बात यह है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है और मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे वो सभी लोग जो मानसिक काम बहुत ज्यादा करते हैं और शारीरिक काम बिल्कुल न के बराबर करते हों, और शारीरिक काम के लिए इनके पास वक्त नहीं होता, बैठे बैठे काम करना होता है, टारगेट बहुत ज्यादा होता है, टारगेट ओरिएंटेड काम करने की वजह से जेलसी भी फील होती है बहुत ज्यादा, और झगड़ाड़ू ईर्ष्यालु किस्म के लोग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ मेंटल वर्क करना पड़ता है टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे सभी लोगों के लिए नखस्वामिका बहुत ही जरूरी मेडिसिन है। महत्वपूर्ण बात, नखस्वामिका उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें बहुत ज्यादा रात में जागने की आदत होती है, चाय की लत होती है, तंबाकू की लत हो सकती है, शराब की लत हो सकती है, स्मोकिंग की लत हो सकती है, बिना किसी लत के ये लोग जीवन यापन कर ही नहीं सकते, इस तरह की पर्सनालिटी नखस्वामिका की होती है। तो इसीलिए विशेष ध्यान दीजिएगा सभी रोगियों के लिए जिन्होंने बहुत सारी मात्रा में पिछले कई सालों में या कुछ महीनों में या कुछ दिनों में दवाइयां खाई हुई है, पुरानी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हुए हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां खाई है, बहुत सारी दवाइयों की आदत रही हुई है और अभी भी बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, उनके रोगों की चिकित्सा करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहली मेडिसिन यदि सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं तो वो होगी नखस्वामिका। नखस्वामिका का प्रिस्क्रिप्शन तभी किया जाता है जब सिम्टम्स मैच कर रहे हो, इनडाइजेशन हो, पेट साफ नहीं होता हो और बहुत सारी दवाइयों की लेने की आदत होती है। नखस्वामिका के पेशेंट के साथ सबसे बड़ी समस्या पेट की होती है। इन्हें लैट्रिन होता तो है लेकिन लैट्रिन 3 से 4 बार 5 बार जाना पड़ सकता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता और सॉफ्ट मोशन के लिए भी इन्हें बार बार मोशन जाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, दे हैव टू स्ट्रेन इवन फॉर द सॉफ्ट मोशन। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होती है इनकी पेट साफ न होना, डकारें आती है, जी मचलाता है और हर बार खाना खाने के बाद भी कुछ समय बाद इनका जी मचलाने लगता है। तो ऐसे रोगियों के लिए जिनके एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपरक्लोरहाइड्रेसिस है, जीईआरडी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, एसिडिटी, जलन, खट्टी डकारें और पेट के रोगी हैं और जिनकी ऊपर बताई हुई सारी सिम्टम्स जिनके मैच करते हैं और जिन्हें
रात में जागने की आदत है उनके लिए नक्स्वामिका बहुत सुटेबल मेडिसिन है। नक्स्वामिका वर्कोहोलिक होता है, उसे हमेशा काम 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 और काम दिखता है, इसलिए जिम्मेदारी भी इसकी बहुत होती है। और जिम्मेदार पदों पर रहने वाले वो सभी लोग जो पूरी रात काम करते रहते हैं, इनके साथ समस्या हो जाती है नींद की। ये रात भर सो नहीं पाते हैं और जब सोते हैं तो अचानक इनकी सुबह 4 बजे के आसपास नींद खुल जाती है और सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा सपने आते हैं और सपने वाली नींद में ही सोते रहते हैं। इन्हें उठाना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आप इन्हें उठाने जाते हैं ये आप पर गुस्सा हो सकते हैं, चिढ़ सकते हैं। तो नक्स्वामिका के पेशेंट्स में ये बहुत खास बात होती है कि इनकी नींद पूरी नहीं होती और नींद को कंप्लीट करने के लिए ये दिन भर ऊंघते रहते हैं, दिन भर इनकी नींद पूरी नहीं होती है। यदि नींद पूरी नहीं होती तो शाम के समय इन्हें रोज हर शाम को जब लोग और बाकी सभी लोग काम करने या घूमने या खेलने निकलते हैं ये सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगली बार इन्हें रात में फिर जागना होता है। रात में जागने की वजह से थकान और कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है और इस वजह से शरीर की कमजोरी की वजह से नक्स्वामिका का पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा झगड़ालू किस्म का हो जाता है, तुनक मिजाज होता है, लेकिन जिम्मेदार बहुत होता है, पर मेंटली बहुत तेज होता है, मानसिक रूप में बहुत मजबूत होता है और जिम्मेदारी की वजह से इसे टारगेट बहुत कंप्लीट करने होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, मैनेजियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, फास्टिडियस बहुत होता है, इसीलिए ये चिड़चिड़ा बहुत होता है। यह एक्सपेक्ट करता है कि लोग भी इसके काम, इसके बताए हुए कामों को उतनी ही शिद्दत से करें। बॉस नेचर होता है, गुस्से का तेज होता है, इस वजह से थोड़ा ईर्ष्यालु और चिड़चिड़ापन हो जाता है, उत्साह बहुत ज्यादा होता है, उत्साह बहुत बड़ा होता है, लेकिन अधीर नेचर का होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो सकता है आप पर या होता है। नक्स्वामिका का मरीज बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, संवेदनशीलता गंध के प्रति हो सकती है, साउंड के प्रति हो सकती है, आवाज, तेज आवाज बिल्कुल उसे पसंद नहीं होता या प्रकाश पसंद नहीं होता, ज्यादा लाइट या संगीत बहुत ज्यादा बज रहा हो तो उसे पसंद नहीं होता, ये अलग शांत रहना चाहता है, क्योंकि ऐसी समस्या यदि साउंड, लाइट या गंध, स्मेल बहुत ज्यादा हो तो नक्स्वामिका के पेशेंट को तकलीफ बढ़ सकती है। नक्स्वामिका के मरीज की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि सबसे छोटी से छोटी तकलीफ भी इसके लिए असहनी हो जाती है। यदि घर का कोई ऐसा सदस्य जो नक्स्वामिका है या नक्स्वामिका के व्यक्तित्व को जीता है, नक्स्वामिका की पर्सनैलिटी है, बॉसी नेचर का है, जिसे टारगेट ओरिएंटेड करने वाले काम करने होते हैं, बड़ी कंपनियों के मैनेजरियल स्टाफ होते हैं या मैनेजर लेवल के पोस्ट होती है, सीईओ होते हैं, तो इनके साथ एक समस्या हो जाती है कि यदि छोटी सी भी तकलीफ हो जाए तो छोटी सी भी फिजिकल प्रॉब्लम इनको बर्दाश्त नहीं होती और ये बहुत ज्यादा पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है या आप ही ऐसे हैं तो आपकी दवाई है नक्स्वामिका। नक्स्वामिका के मरीज को खट्टी, कड़वी, मिथली वाली डकारें आती हैं और सुबह के समय, हर दिन सुबह के समय इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है और इसका मन उदास होता है। दो समय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तकलीफों के बढ़ने के लिए, एक तो खाना खाने के बाद और दूसरा सुबह का टाइम। सुबह का टाइम नक्स्वामिका के लिए बहुत तकलीफ भरा होता है क्योंकि इसकी नींद नहीं हो पाती और ये देर तक सोने वाला व्यक्ति होता है। दूसरी बात यह है, खाना खाने के तुरंत बाद पेट भरा भरा सा महसूस होता है, इस वजह से भी इन्हें खट्टी, कड़वी, मितली या उल्टी जैसी समस्या होती है और लगातार खाना खाने के बाद या सुबह या धूम्रपान करने के बाद या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करने के बाद इसकी तकलीफें बढ़ती है। इसकी पेट की समस्या का भी जो लक्षण है उसमें पेट में बहुत दबाव महसूस होता है खाना खाने के बाद और कुछ समय के बाद इतना भारीपन महसूस होता है जैसे पेट में कोई पत्थर पड़ा हुआ हो और मुंह में पानी जैसा महसूस होता है, खट्टे पानी की जगह, और पेट खेचा खेचा सा महसूस होता है। सारे पेट के लक्षण और कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता जिसे बोला जाता है, कि थोड़ा सा भी मोशन जाने के लिए बार बार इच्छा होना और मोशन एक बार में क्लियर नहीं होता तो बार बार नक्स्वामिका के मरीज को मोशन जाना पड़ता है। तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया इनके साथ होता है, कभी कब्जियत होती है, कभी लूज मोशन होता है, ये बड़ी सामान्य समस्या है। श्रम ज्यादा होता है और शारीरिक श्रम कम होता है, इसलिए पेट की समस्या होना जाहिर सी बात है, लेकिन पेट की समस्या जब ज्यादा हो जाती है और कब्ज की स्थिति ज्यादा हो जाती है तो इन्हें आदत हो जाती है
वो सारी वस्तुएं खाने की जिसकी वजह से, या उन दवाइयों को खाने की वजह से, उन जड़ी बूटियों से बनी हुई चीजें खाने की वजह से, जिससे इनका पेट साफ हो, ऐसी सारी चीजें ये खाते रहते हैं, ऐसी दवाइयां ये खाते रहते हैं, और इसकी वजह से इन्हें मल और कड़ा होता है, और कड़े मल की वजह से इन्हें बवासीर की समस्या होना, यानी कि पाइल्स की समस्या होना एक बहुत आम बात है, क्योंकि हर बार इन्हें सॉफ्ट मोशन को भी ताकत लगाकर बाहर निकालने की आदत होती है, इन्हें स्ट्रेन बहुत ज्यादा करना होता है। तो पाइल्स के मरीज बहुत कॉमन हैं नाक स्वामी वो का। सभी मरीज जिन्होंने जिंदगी भर बहुत सारी दवाइयां खाई हुई हैं, और वो सभी मरीज जिन्होंने जिंदगी भर इन दवाइयों के खाने की वजह से साइड इफेक्ट झेला हो, और वो सभी मरीज जिन्होंने जिंदगी भर पेट साफ करने की दवाइयां खाई हुई है, उनके लिए नख स्वामी का पहली दवा है उन सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए। कमर दर्द यानी कि लंबे को बैक पेन के लिए नख स्वामी का बहुत जरूरी मेडिसिन है, क्योंकि कमर दर्द का इसका लक्षण यह है कि इतना ज्यादा कमर दर्द होता है कि ये मूवमेंट भी नहीं कर पाता। कारण वही है, बैक पेन बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब होने की वजह से, और बहुत ज्यादा मानसिक वर्क होने की वजह से शारीरिक वर्क इनका हो नहीं पाता, लंबे समय तक इन्हें बैठना पड़ता है, और सिटिंग वर्क की वजह से, नो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से इन्हें बैक पेन होता है। तो बहुत ज्यादा पेन, सियाटिका, बैक पेन, कमर दर्द, डिस्क प्रोलेप्स, इन सभी के लिए मैंने अपने वीडियोस में नख स्वामी का हमेशा बताया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में सियाटिका की। उन सभी वर्किंग वुमन्स के लिए जो रेगुलर इस तरह के जॉब में हैं, जिन्हें नक्स्वामिका की तरह जिंदगी जीना होती है, मतलब लाइफस्टाइल जिनकी डिस्टर्ब हो जाती है, और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं, जिन्हें कुछ खराब चीजों के सेवन की आदत हो जाती है, और वो सभी लोग, वो सभी महिलाएं जिन्हें कॉफी चाय ज्यादा रात में पीने की आदत हो जाती है, और रात में जागकर या नाइट शिफ्ट में काम करना होता है, उनके साथ भी ऐसी समस्या होती है, उनके साथ पेट गड़बड़ होने की समस्या होती है, माइग्रेन के हेडेक होते हैं, माइग्रेन के अटैक्स आते हैं, और मासिक धर्म अनियमित होता है, या तो बहुत जल्दी आ जाएगा या बहुत देर से आएगा। इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम उन महिलाओं में जिन्हें सेडेंट्री लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, देर रात नाइट वॉचिंग, रात में जागने की समस्याएं होती हैं, या रात में जागकर काम करने की आदत होती है, लेट नाइट वर्क्स होते हैं, रात में देर से सोते हैं, उनके साथ यदि मेंसेस इरेगुलर हो रहा है और हर 2 हफ्ते में मेंसेस आ रहा है, और मेंसेस के टाइमिंग्स और डेज कन्फर्म नहीं है, उनके साथ नक्स स्वामिका का उपयोग करने पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेंसेस करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह की महिलाओं में एक बड़ी समस्या ये आती है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में इनकी डिलीवरी जो होती है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, तो पेनफुल डिलीवरी को ठीक करने के लिए भी नक्स्वामिका बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव ड्रग इनके लिए होगी। नक्स्वामिका का मरीज बहुत गुस्से का तेज होता है, और क्रोध और गुस्से के आवेग की वजह से इनके तकलीफों में वृद्धि होती है, तकलीफ बढ़ती है, और तकलीफ बढ़ने की वजह से या गुस्सा बहुत ज्यादा होने की वजह से अचानक से ब्लड प्रेशर रेज करता है, कार्डियक ब्लड प्रेशर और सेरिब्रो स्पाइनल ब्लड प्रेशर जो CSF का है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड का जो हमारे ब्रेन में होता है, वैसे ही ब्रेन का ब्लड फ्लो होता है वो फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर का क्रॉस करने के बाद ब्लड का जो फ्लो बढ़ता है उसकी वजह से इन्हें मिर्गी भी हो जाती है, इन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, लेकिन उनका कॉज हमेशा जो होता है वो हमेशा एंगर या बहुत ज्यादा गुस्से का तेज आवेग होता है, और ऐंठन के साथ होता है, लेकिन इनके मिर्गी का जो लक्षण होता है या कन्वल्जन ऐंठन जो बॉडी में आती है वो हमेशा चेतनावस्था के साथ होती है, मतलब ये लोग इस दौरान भी कॉन्सियस होते हैं, इन्हें ये बात पता होती है, जबकि ऐसा बाकी कंडीशन में नहीं होता, ये इनका स्पेसिफिक फीचर। नक्स्वामिका के रोगी को यदि बुखार होता है या फीवर होता है तो उसकी बड़ी खास बात ये होती है कि फीवर कि किसी भी स्टेज में, चिल स्टेज हो या फिर फेब्राइल स्टेज हो, ठंड वाली अवस्था हो या गर्मी वाली अवस्था हो, ये पूरी तरह पसीने से तरबतर होने के बावजूद भी जरा सा भी कंबल या जरा सा भी चादर को हटाएगा नहीं, ये इसकी खासियत होती है, ये पूरा ओढ़ के सो जाएगा, और कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, चाहे तेज फीवर हो और पूरा शरीर जल रहा हो जैसे एकोनाइट में होता है,
और चेहरा चाहे लाल हो या पूरी तरह से गर्म हो जाए, जैसा कि बेलाडोना में होता है, मतलब जलन होता हुआ शरीर हो, एकोनाइट जैसा इतना फीवर हो, या चेहरा तमतमाया हुआ लाल हो जाए वैसा बेलाडोना जैसा हो, लेकिन तो भी नग स्वामी का इतनी गर्मी और तमतमाए चेहरे के और जलन के बावजूद भी चादर नहीं हटाता, क्योंकि इसे ठंड से तकलीफ बढ़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, नखस्वामिका की तकलीफ कब बढ़ती है? तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन व्यक्तियों को जो सुबह उठते हैं, और सुबह होते ही साथ इन्हें समस्या हो जाती है। सुबह के 4 बजे जाग जाते हैं, नींद हो नहीं पाती, अभी अभी तो सोया था रात में 2-3 बजे और फिर 4 बजे उठ गए, मानसिक परिश्रम बहुत ज्यादा है, मेंटल एग्जर्शन बहुत ज्यादा करते हैं, फिजिकल बिल्कुल भी एग्जर्शन नहीं होता, जरूरत से ज्यादा आपने खाना खा लिया है, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, बहुत ज्यादा मसालेदार पदार्थ आपने खा लिए हैं, आपको पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अल्कोहल या स्मोकिंग की आदत है, और ठंडी हवाओं से नखस्वामिका की तकलीफ हमेशा बढ़ती है। मुख्य बात है रात में जागने वाले काम और खराब लाइफस्टाइल की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, आजकल की जो जीवन शैली है उसकी वजह से नखस्वामिका की तकलीफें शुरू होती हैं। कैसे तकलीफें ठीक होती है? तो यदि शाम का वक्त हो तो नखस्वामिका के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सो जाता है। यदि इसे रेस्ट करने मिल जाए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा भी रेस्ट करने मिल जाए इसे बहुत अच्छा लगेगा। लेट जाएगा और नर्म नमी वाले भागों में, जहां थोड़ी सी नमी होती है, इसे बड़ा अच्छा लगता है। तो नखस्वामिका की तकलीफ ठीक होने के लिए सबसे बढ़िया चीज यही होती है। नखस्वामिका का प्रिस्क्रिप्शन कब करना चाहिए या कब नखस्वामिका देनी चाहिए? तो नखस्वामिका आपको देनी चाहिए रात में सोते समय या सोने से 1 घंटे पहले, क्योंकि मन और शरीर शांत रखने की अवस्था जब होती है, जब आपका शरीर सबसे ज्यादा शांत होता है, उस समय यदि नखस्वामिका दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो सोने के समय एक बार नखस्वामिका ले लीजिए, मन शांत रहता है उस समय, जब आप पूरी तरह शांत हो गए हो नखस्वामिका ले लीजिए यदि आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, और फिर दूसरे दिन आप देखिएगा आपकी नींद बहुत अच्छी हुई थी और आपका पेट साफ हो जाए, क्योंकि जैसा रहेगा आपका डाइजेशन, आपका पेट, वैसा ही आपका शरीर चलेगा। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप नखस्वामिका और उसकी पर्सनालिटी को समझ गए होंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आखिरी के 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए। लाइन में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नखस्वामिका का ओरिजिनल पिक्चर क्या है। बहुत ज्यादा मानसिक काम करने वाले व्यक्ति जो शारीरिक काम बिल्कुल नहीं कर पाते, जिनका पेट अक्सर खराब होता है और जिन्हें रात भर काम करना होता है, दिन में ये देर तक सोते हैं, शाम को इनको नींद आती है, पेट खराब रहता है, पेट फूला फूला सा रहता है, चाय, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, तंबाकू या कॉफी पीने की आदत रहती है, बिना उसके इनका काम नहीं चलता, चिड़चिड़े किस्म के व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा टारगेट पूरा करना रहता है और प्रेशर ज्यादा रहता है, और जिनमें शाम के समय जिनको बड़ा अच्छा लगता है और सुबह का वक्त इनके लिए बहुत ज्यादा बेकार होता है, रात में जागने की प्रवृत्ति होती है और चिड़चिड़े अधीर स्वभाव वाले व्यक्ति हो जाते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा टारगेट की वजह से अधीरता आ जाती है, पूरी जिंदगी या तो इन्होंने किसी तरह की पाचन की संबंधी दवाई खाई थी, पेट साफ होने की दवाई खाई थी, या कुछ दवाइयों को ये लगातार खाते आ रहे हैं, और इनके जीवन में उत्साह तो बहुत रहता है लेकिन चिड़चिड़ापन भी उत्साह के हिसाब से ज्यादा रहता है, तो क्रोध घृणा इनके नेचर में आ जाता है, भले ही ये दुबले पतले होते हैं लेकिन कामुक व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा, और पेट की अजीर्ण वाली बीमारियों से और बवासीर जैसी बीमारियों से और एसिडिटी से संबंधित जितनी बीमारियां शरीर में होती हैं, GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स, ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेट के अल्सर, उन सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप सभी ने इस वीडियो को सराहा और आशा है आपको ये कोशिश पसंद आएगी और इसे आप उपयोग करेंगे और लोगों तक इसे पहुंचाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।